ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 7 जुलाई 2023 शुक्रवार का दिन है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तथा पंचमी तिथि रहेगी। षडभिषा नामक नक्षत्र होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में होंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही अथवा जव खाकर के यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मिथुन राशि में, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह की यदि हम बात करें तो सिंह राशि में, बुध ग्रह मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में, शुक्र ग्रह सिंह राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मेष राशि में तथा केतु ग्रह तुला राशि में विराजित रहेंगे। यदि हम सूर्योदय की बात करें तो सुबह 5:44 पर सूर्योदय होगा तथा शाम को 7:06 पर सूर्यास्त होगा। चंद्रोदय की यदि हम बात करें तो रात को 10:35 पर चंद्रमा का उदय होगा और सुबह 9:36 पर चंद्रमा का अस्त होगा। और यदि शुभ मुहूर्त की हम बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चर लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इस समय आप किसी भी प्रकार के शुभ और मंगल कार्य संपादित कर सकते हैं। चूंकि 10:30 से 12 राहु काल है, इसलिए शुभ कार्य के लिए इस समय को छोड़ देना चाहिए और दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा तथा शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य संपादित कर सकते हैं। यदि महाभाग्यशाली राशियों की हम बात करें तो 4 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। मेष, सिंह, तुला और कुंभ, इन 4 राशि वालों को जबरदस्त फायदा होगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा, पदोन्नति होगी और व्यापार में, नौकरी में इनको अच्छा फायदा हो सकता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का उत्तम योग इनके लिए बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के 4 राशि वालों के दिन सबसे खास साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा तथा मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बनेंगे। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा और उसमें आप कामयाब होंगे। घर के लोगों के कार्यों से ज़्यादा आपको अपने कार्यों की चिंता रहेगी और दूसरों के काम में ज़्यादा हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें। सबको अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दें, इससे घर का माहौल उचित बना रहेगा। आज पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, इसलिए अत्यधिक क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में यदि आप कोई भी फल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके संपर्क से आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को अधिक मजबूत बनाकर रखें। प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य यदि रुका हुआ है तो वह हल हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज किसी प्रकार की यात्रा या वाहन इस्तेमाल करना स्थगित रखें, क्योंकि किसी प्रकार की जो है नुकसान होने की आशंका बन रही है। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अपनी सूझबूझ और समझदारी से आपको काम करना होगा। उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके कुछ नया करने का प्रयास करेंगे या फिर ऐसे विचार करेंगे।
इससे आपको मानसिक तथा शारीरिक थकावट दूर हो जाएगी और एक नई ऊर्जा के प्रभाव से आप अपने अंदर जो है ऊर्जावान महसूस करेंगे। और फाइनेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है, परंतु कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी प्रकार से सोच विचार अवश्य करें। ऐसे आपके धन संबंधी जो नुकसान है उससे आप बच पाएंगे। रिस्क लेने की प्रवृत्ति से आपको दूर रहना चाहिए और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। घर के नवीनीकरण या सुधार जैसी योजनाओं पर आप कार्य करेंगे और अपने बजट पर आपको ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें। प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कोई काम यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ करके आपको काम करना चाहिए। घर के वातावरण को संतुलित तथा खुशनुमा बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए कुछ समय घर परिवार की देखभाल में भी आपको लगाना चाहिए। उपाय के रूप में घर से निकलते समय पीले रंग की मिठाई खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज किसी मित्र की राजनीतिक पावर और आपके लिए रास्ता खोल सकती है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होगा। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में आपका समय व्यतीत होगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कुछ नजदीकी रिश्ते नजरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए अपने संबंधों को खराब होने से आपको बचना आवश्यक होगा। बच्चों की गतिविधियां तथा उनकी संगति पर नजर अवश्य रखें। और उपाय के रूप में यदि आप भैरव जी के मंदिर में लाल कपड़ा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल होगी। किसी भी कार्य को गंभीरता से विचार विमर्श करके उस पर कार्य करें। आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। कभी कभी आपका गुस्सा तथा जल्दबाजी जैसा स्वभाव आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है तथा दूसरों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए कुछ समय आत्म अवलोकन में लगाएं। इससे आप सही व गलत में जो है फर्क पैदा कर पाएंगे। व्यावसायिक गतिविधियां निर्विघ्न रूप से चलती रहेगी। सहयोगियों तथा मित्रों से भी आपको फायदा होगा। उपाय के रूप में पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। रिश्तेदारों के साथ खराब संबंधों को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। इसमें आप कामयाब होंगे। संतान पक्ष को कोई उपलब्धि हासिल होने से सुकून और खुशियां आपको प्राप्त होगी तथा इस खुशी को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ घूमने फिरने का कोई कार्यक्रम आपका बन सकता है। ध्यान रखें कि दूसरों के मामलों में अधिक दखल न दें। आपके मान सम्मान में इससे कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही काम आपको रखना चाहिए। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बना करके आपको रखना होगा। कर्क क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आजकल आप धैर्य व शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। इस स्वभाव की वजह से आपको अपने काम के उचित परिणाम हासिल होंगे तथा मानसिक सुकून भी आपको मिलेगा। रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। युवाओं तथा विद्यार्थियों को अनुशासित तथा मर्यादित दिनचर्या बनाकर रखना अति आवश्यक है। लापरवाही की वजह से लोग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अपनी महत्वपूर्ण चीजों तथा दस्तावेजों को स्वयं संभाल कर रखें। दूसरों पर निर्भर न रहे। अगर कर्क क्षेत्र में कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में कुछ समय आपका व्यतीत होगा। रिश्तेदारों का आगमन आपके घर में हो सकता है। शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा भी आपके घर परिवार में संपन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को अपने कैरियर संबंधी चिंताओं को जो है
हल करने का अवसर प्राप्त होगा। नई नौकरी या नया काम करने का उनको अवसर प्राप्त होने वाला है। उपाय के रूप में यदि आप गणेश जी के मंदिर में दुर्वा और गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। पिछले कुछ समय से चली आ रही विपरीत परिस्थितियों में आज अचानक कोई न कोई मोड़ आएगा। अनुभवी व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। इससे आप समस्याओं से सुलझने में या बाहर निकलने में जो है सरल तरीके से उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। सलाह की अवहेलना बिल्कुल न करें और जो सलाह मिले उस पर गौर आपको करना चाहिए तथा किसी प्रकार के झंझट से आपको दूर रहना चाहिए। उपाय के रूप में भोजन के बाद मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे उसके परिणाम आपको आपके पक्ष में प्राप्त होने वाले हैं और आपको अब बहुत अधिक मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी और जो सफलता मिलेगी आगे चलकर वह स्थायी रूप आपके जीवन में प्राप्त कर लेगी। उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। स्थायी संपत्ति जैसे भूमि भवन वाहन की खरीदी संबंधी योजना बनेगी। इन कार्यों के लिए ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है, इसलिए प्रयास करते रहे सफलता मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी रिश्ते की बात चल सकती है। कुछ नज़दीकी संबंधों को खराब होने से आपको बचाना चाहिए और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीला फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका कैसरिया होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।